हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आर्ट कट्टा के इस यूट्यूब चैनल के मास्टर क्लास में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब आप पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब की लाल बटन को एक ही बार दबाना है और बाजू के बेल पर एक ही बार क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद उसको दोबारा क्लिक ना करें। हमारे चैनल को जुड़े रहने के लिए आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है डिजाइन। आज हम इंटरमीडिएट ग्रेड एग्जाम में डिजाइन कंपोजिशंस कैसे करते हैं और कलरिंग कैसे करेंगे ये देखेंगे। अब हम फूलदान यानी कि फ्लावर पॉट के लिए डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाने के लिए नेचुरल, ज्योमेट्रिकल और डेकोरेटिव फॉर्म का हमें यूज करना है। उसके लिए आवश्यकता होने पर ट्रेसिंग पेपर का हम यूज कर सकते हैं। फ्लावर पॉट के बाह्य आकार के कुछ रफ चित्र निकाले। फ्लावर पॉट की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तक निकाले। चौड़ाई और बाह्य आकार यानी के आउटर शेप फ्लावर पॉट की ऊंचाई के अनुसार अपने तरीके से निकाले। कच्चे रफ चित्रों में से डिजाइन के लिए अपनी मनपसंद चित्र का चुनाव कीजिए। रंग भरने के लिए पोस्टर कलर, राउंड और फ्लैट ब्रश, सफेद रंग की बड़ी पैलेट, पानी के लिए दो ट्रांसपेरेंट बर्तन, एक ब्रश धोने के लिए और दूसरा रंग बनाने के लिए, ब्रश पोंछने के लिए एक कपड़ा, ये सब मटेरियल आपके दाएं हाथ के बाजू में रखना है। रंग बनाते समय रंग के हिसाब से पानी को बहुत कम या बहुत ज्यादा न डालें। पानी की मात्रा को मीडियम रखें। इससे रंग लगाते समय रंगों में पैचेस नहीं दिखेंगे। बड़ी जगह पर रंग लगाने के लिए बड़े राउंड या फ्लैट ब्रश का यूज करना है।
दोस्तों, इस तरह से डिजाइन पूरी हुई। आज यही रुकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि डेली प्रैक्टिस ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकती है। और हाँ दोस्तों, आठ कट्टा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू के बेल पर क्लिक करें, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा हमने अपना नया वीडियो अपलोड किया है। तब तक के लिए गुड बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर।